गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इरिगेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डैम्स यानी बांध। ये वाला जो टॉपिक है ये इरिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपके मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डैम्स यानी बांध होते क्या हैं। जब हमारी कोई भी नदी फ्लो कर रही है उसके वाटर को हमें किसी और दिशा में कन्वर्ट करना है यानी किसी और दिशा में प्रवाहित करना है तो उसके लिए नदी के आर पार एक दीवार बनाई जाती है यानी दीवार रूपी स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे हम डैम कहते हैं यानी बांध कहते हैं। तो बांध का जो मेनली काम होता है वो पानी को स्टोर करने के लिए, पानी की गति को नियंत्रण करने के लिए यानी गति को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए और उसे किसी दूसरी दिशा में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपका जो इन कार्यों के लिए आपकी जो संरचना यानी दीवार रूपी संरचना जो नदी के ऊपर बनाई जाती है उसे ही हम कहते हैं बांध। अब इसमें दूसरा टॉपिक आता है उद्देश्य यानी पर्पजेस। बांध किस किस लिए बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है आपका जल भंडारण यानी कि वाटर स्टोरेज। पानी को स्टोर करने के लिए हम क्या होता है बांध का निर्माण करते हैं और उस बांध के किनारों पर झील बनाई जाती है जिसमें कि वाटर स्टोर होता रहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका पन विद्युत उत्पादन यानी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन यानी के पानी के द्वारा बिजली के निर्माण के लिए भी बांध बनाया जाता है। बांध क्या करता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में पानी एक हाइट पर स्टोर होता है और फिर उस हाइट से पानी को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है जिससे कि आपकी टरबाइन मूव करती है और आपका जो जनरेटर होता है वो मूव करने लग जाता है और बिजली आपकी बनती है। तीसरा होता है बाढ़ नियंत्रण। मान लो कि किसी नदी में बाढ़ आ जाती है यानी कि बाढ़ का मतलब होता है कि जब आपका नदी का जो पानी होता है वो हाइएस्ट फ्लड लेवल यानी के उच्च बाढ़ तल से ऊपर बहने लग जाता है तो उस कंडीशन में नदी को कहते हैं कि नदी में बाढ़ आती। तो उस पानी को नियंत्रण करने के लिए भी हम क्या करते हैं डैम का निर्माण करते हैं। उसके बाद चौथा उद्देश्य होता है आपका मत्स्य पालन यानी मछली पालन। जो आपका डैम होता है उसके किनारे पर यानी दोनों साइडों में हम क्या बनाते हैं झील बनाते हैं यानी वाटर स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज प्लेस बनाते हैं उसके अंदर हम मछलियों को पालते हैं। तो डैम के ये चार आपके मेन उद्देश्य होंगे। उसके बाद अब जो तीसरा टॉपिक आता है वो आता है कि स्थल चयन यानी के किस स्थान पर मतलब नदी के किस स्थान पर हमें डैम बनाना है या अपना बांध बनाना। तो उसमें पहला पॉइंट आता है आपका नदी की चौड़ाई यानी के विड्थ ऑफ रिवर यानी के जो आपकी नदी की चौड़ाई जहां पर सबसे न्यूनतम होगी बांध हमेशा वहीं पे बनाना चाहिए क्योंकि इससे उसकी कॉस्ट में कमी आती है। दूसरा होता है सदर्न किनारे यानी के जो उसके किनारे होने चाहिए नदी के जहां पर हम बांध बना रहे हैं वहां पर नदी के जो किनारे होने चाहिए वो एकदम रिजिड होने चाहिए यानी के मजबूत होने चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है निर्माण सामग्री। अब जाहिर सी बात है कि हम जब बांध बनाएंगे तो उसके लिए ईंट पत्थर मिट्टी सारी चीज की जरूरत होती है तो यानी कि निर्माण सामग्री उस स्थान पर इजीली उपलब्ध हो जाए यानी कि ज्यादा महंगी ना पड़े उसे लाने ले जाने में या फिर उसकी उपलब्धता कराने में। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है पहुंच। अब जाहिर सी बात है कि हम बांध बनाएंगे तो उस पर लोगों का आवागमन भी होगा मजदूरों को भी आना जाना पड़ेगा तो यानी कि ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहां पर इजीली पहुंचा जा सके मतलब कि जहां पर पहुंचना संभव हो आसानी से। उसके बाद अगला पॉइंट है विवाद रहित भूमि यानी कि ऐसा ना हो कि हम बांध बनाने के लिए नहर के आसपास खेत होते हैं और वो खेत होते हैं किसानों के हम उन किसानों के खेतों को एक्वायर कर लें या हम उन्हें ले लें लेकिन किसानों से देने को राजी ना हो यानी कि उस जिस भूमि पर भी हम बांध बना रहे हैं उस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो यानी कि लोगों में उसको लेकर कोई विवाद ना हो इजीली हमें जमीन मिल जाए।
यानी कि हमें हमेशा बांध जो होता है अपना डैम जो होता है वो हमेशा उस स्थान पे बनाना चाहिए जहां पर रिवर ऊंचाई पर हो, यानी कि जब हम उसका वाटर डाइवर्ट करें तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स से यानी गुरुत्व बल से वो वाटर इजीली जिधर भी हम मोड़ना चाह रहे हैं या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डाइवर्ट करना चाह रहे हैं उस कंडीशन में या उस डायरेक्शन में इजीली वो अपना फ्लो होता है। तो स्थलाकृति का ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।